महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के साथ दवाइयां भी हुई महंगी। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में काफी उछाल देखा गया है। इसी के साथ अब पैरासीटामोल समेत 800 अन्य दवाइयां अप्रैल से महंगी होने जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अरिबा नसीम और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। आम जनता पर लगातार महंगाई की गाज गिर रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी होने के बाद अब दवाइयां भी महंगी होने जा रही हैं। दरअसल नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने फार्मा कंपनियों को दवाओं पर 10.7% की बढ़ोतरी करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब 800 से अधिक दवाओं की कीमत में अप्रैल में उछाल देखने को मिलेगा। एनपीए के नोटिस के मुताबिक आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कार्यालय ने थोक मूल्य सूची के आधार पर दवाओं के दाम बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि फार्मा इंडस्ट्रीज ने दवाइयों के दाम 20% बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन एनपीए ने 10 से 12% ही दाम बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही आपको बता दें कि अप्रैल से बुखार, संक्रमण, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग और एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम बढ़ेंगे। इनमें पैरासीटामोल, फोनोबारबिटोन, फिनाइटोइन सोडियम, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड और मेट्रोनिडाजोल जैसी कई अन्य दवाएं शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज 10 इंडिया। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।